वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीयूजेबल कोड आप कैसे लिख सकते हो कंपोजिशन एपीआई के साथ। वैसे तो हमने पहले भी देख चुके हैं हम मिक्सिन, मिक्सिन हमारा क्या काम करता है, रीयूजेबल कोड लिखने के काम आता है, लेकिन कंपोजिशन एपीआई के अंदर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने वही वाला एग्जाम्पल ले लिया है जहाँ पर जिस वीडियो में हमने मिक्सिन को एक्सप्लेन करा था। तो उसमें क्या था कि जो रीयूजेबल कोड था हमारा यहाँ पर, कि इस वाले कंपोनेंट ए कंपोनेंट में भी और बी कंपोनेंट में दोनों में क्या हो रहा था, सेम फंक्शन कॉल होता था इंक्रीमेंट, जो कि 10 10 का इंक्रीमेंट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ये 10 10 का इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी चाहे तो हम पैरामीटर भी पास कर सकते थे कि भाई जो पैरामीटर उसको आगे से मिले उसी टाइप का इंक्रीमेंट करें। अब यही कोड लिखना है हमें कंपोजिशन एपीआई में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर हमने मिक्सिन वाली फ़ाइल बनाई है सेम इसी को कॉपी कर लो आप, एक अलग फाइल में पेस्ट करके सेव करते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं काउंट 5, इसको कर देते हैं हम कंपोनेंट कॉम। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। पहली बात, ये जो डेटा है हम नॉर्मली क्या करते हैं उसमें, हम क्या यूज़ करते हैं, रेफ यूज़ करते हैं और सेटअप, तो यहाँ पर हमने रेफ यूज़ कर लिया, ये रेफ यूज़ हो गया। अब डेटा की जगह हम क्या करते थे, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट ताकि आपको साथ में दिखता रहे, कि हम लेते थे वेरी वो सेटअप, नहीं सेटअप की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सेटअप वहीं पे करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लेंगे वेरिएबल ये काउंट, एक वेरिएबल ले लिया जो कि ये काउंट है, इसकी वैल्यू हमने रेफ में डाल दी, स्टार्टिंग में जो इनिशियल वैल्यू होगी वो 0 होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे इंक्रीमेंट डेटा का यहीं पर इस तरीके से, और उसके बाद अभी एक सेकेंड ऊपर का एक चीज़ रह गया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर हम लेंगे फंक्शन, फंक्शन उसका हम नेम दे देंगे, तो नेम जो हमारा फाइल का नाम है वही दे देते हैं। ठीक है, उसमें ले लिया हमने काउंट इंक्रीमेंट डेटा, और ये हो गया फंक्शन, यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे, इससे रिटर्न क्या करवाएंगे, ये इसको इंक्रीमेंट करवा देंगे, इसकी जो वैल्यू है वो बार बार बढ़ जाए और 10 का इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, ये काम पूरा हो गया, इसको मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न इन दोनों वेरिएबल को, काउंट को भी और इंक्रीमेंट डेटा को भी। ठीक है, अब जहाँ पर हमें यूज़ करना है, जैसे मिक्सिन ए में यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, इसको हटा देंगे, जो कंपोनेंट था वो था हमारा ये वाला, और अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पर सेटअप यूज़ करते हैं। सेटअप यूज़ करने के बाद जो ये हमने लिया है काउंट 5, यही है ना, काउंट सेम ले लेता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी इससे। ठीक है, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्टेंट, इसमें अभी मैं टेस्ट लिख देता हूँ, ये एक तरह से फंक्शन बना लिया ना हमने यहाँ पर ये वाला, और रिटर्न क्या कर रहा है, ये दोनों चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, ये जो काउंट है भाई, इससे हमें क्या क्या मिलेगा, इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, ये तो काउंट मिलने वाला है और दूसरा क्या मिलने वाला है, इंक्रीमेंट डेटा ये। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगी वैल्यू, तो इनको हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे ताकि ये इजीली यहाँ से ये यूज हो जाए, काउंट और इंक्रीमेंट डेटा। कुछ एरर आ गया इसमें, कह रहा है काउंट इज अ कॉन्स्टेंट, हाँ तो सही तो लिखा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और कहाँ गया हमारा, ये रहा, यहाँ पे हमने लिखा है काउंट हो गया हमारा कॉन्स्टेंट, रेफ वैल्यू ये होगी, अच्छा ठीक है सॉरी, यहाँ डॉट वैल्यू, यार ये बार बार गलत हो जाता है, रेफ नहीं व्यू आएगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब यहाँ पर देखो, इस पर क्लिक करेंगे ये इंक्रीमेंट हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी हमने चेंजेस करें मिक्सिन ए में, ए कंपोनेंट में। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं कि भाई जब मिक्सिन ए कॉल हो ना, तो आप एक काम करो 20 20 का इंक्रीमेंट करो। तो यहाँ पर हम जाते हैं, इसको बोल देते हैं, इस फंक्शन में एक नंबर आएगा, जो नंबर आएगा ना उसी का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ये देखो 20 20 20 इसका इंक्रीमेंट हो रहा है,
और मिक्स इन बी वाला अभी भी पहले वाले तरीके से कॉल हो रहा है, उसमें भी हम क्या करेंगे सेम जो यहाँ पर लिख रहा है ये वाला कॉपी करके उसको यहाँ डाल देंगे। ठीक है, इसका नाम मिक्स इन ए था, इसको कर देते हैं अब बी। अब जो सेम फंक्शनलिटी है वो यहाँ पर आ गई मिक्स इन बी में, और यहाँ पर हम बोलते हैं भाई एक काम करो मिक्स इन बी में इंक्रीमेंट 5 का होना चाहिए। ये हो गया अपना 20 का, ये हो गया 5 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसमें रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो समझ आ रही है तो यार लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।